स्टूडेंट्स, टुडे विल बी कंटिन्यूइंग चैप्टर 2 साइंस स्टैंडर्ड 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। पिछले लेक्चर्स में अपन एसिड बेस के बारे में बेसिक चीजें जानी, अपन ने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जाना था, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में जाना था, अलॉन्ग विद अपन ने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी एसिड और बेस की, कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कैसे करता है, एसिड मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करती है, ये सारी चीजें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी, राइट। आज अपन पढ़ने वाले सारे एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है। सारे एसिड्स और सारे बेस में कुछ कॉमन चीज तो होती है, क्योंकि ये कॉमन है इन लोगों के बीच में, राइट, कुछ तो कॉमन होता होगा। तो आज अपन ये पढ़ने वाले जितने भी एसिड्स होते हैं और जितने भी बेस, उनमें कॉमन क्या है, ऑल एसिड्स एंड बेस में क्या कॉमन चीज है आज अपन वो पढ़ने वाले। ये समझने के लिए अपन को एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। एक्टिविटी में बेसिकली सेटअप कैसे एपरेटर्स करना है आप इसको टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो, ज्यादा क्लैरिटी आएगी डायग्राम की। ऐसे मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं आपको बेसिक व्यू दे देती हूँ। आपको एक बीकर लेना है, बीकर में बेसिकली दो नील्स अटैच करने हैं, नीचे कॉक रबर कॉक्स लगाने और उसमें दो नील्स अटैच करने, और ये दो नील्स को वायर के द्वारा एक बैटरी से कनेक्ट करना है। एक बीकर लेना है, बीकर पे दो नील्स अटैच करने, नील्स को किससे अटैच करना है, रबर कॉक से अटैच करना है। किससे अटैच करना है, रबर कॉक से, जिससे वो प्रॉपरली होल्ड कर पाए, और फिर नील्स को वायर से कनेक्ट करके एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर देना। अब आपको ना पहले उस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो और स्विच ऑन कर दो। क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्या बल्ब ग्लो हो रहा है? यस, बल्ब ग्लो होगा। मतलब जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बीकर में डाला और स्विच ऑन किया, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होके जो बल्ब कनेक्टेड था वायर बैटरी, वो ग्लो हुआ। दूसरा उसमें फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्लूकोज होती, ग्लूकोज डाल के देखो, ग्लूकोज डाल के देखो, क्या ग्लूकोज से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? नहीं, बिकॉज ग्लूकोज एसिड नहीं। सिमिलरली अल्कोहल से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उससे होगी। मतलब इनसे इससे ये प्रूफ हो रहा है, एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये जो बल्ब ग्लो हो रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब बल्ब अगर ग्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है? बल्ब ग्लो हो रहा है मतलब सोल्यूशन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरी टू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयन। मैं बोल रही हूँ जो बल्ब ग्लो हो रहा है उससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जो भी सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अब क्यों है? इलेक्ट्रिक करंट इज लाइक जो एसिड होता है वो अपने साथ आयन्स कैरी करते हैं। क्या आयन्स कैरी करते हैं? वो आयन कैरी करने के कारण, मतलब जो एसिड है, एसिड की जो आयन्स है उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है। एसिड में H प्लस आयन्स होते हैं जिसको हम कैटायन्स बोलते हैं, कैटायन्स बोलते हैं, कैटायन्स जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, और एनायन्स भी होते हैं जैसे Cl माइनस, जैसे HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H प्लस आयन्स होते हैं जो कैटायन्स होते हैं, और Cl माइनस आयन जो एनायन्स होते हैं। कैटायन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, एंड कैटायन्स एनायन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी एसिड में कुछ कैटायन्स होते हैं, कुछ एनायन्स, और कैटायन्स और एनायन्स के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण ही जो बल्ब होता है वो ग्लो होता है, ठीक है। सिंस कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड आर H प्लस, दिस सजेस्ट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड में कौन से कैटायन्स प्रेजेंट होते हैं? एसिड में कौन से कैटायन्स? हर एसिड में H प्लस कैटायन्स प्रेजेंट होते हैं। इससे ये सजेस्ट होता है कि जो एसिड होती है हमेशा कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस। एसिड हमेशा कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस। H प्लस इन सोल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। ओके, वापस पूरा ध्यान यहाँ पे देना। अपन ये पढ़ने वाले एसिड और बेस में कॉमन क्या है, ये चीज समझने के लिए अपन एक एक्टिविटी परफॉर्म की। इन दैट एक्टिविटी वी नीड टू टेक अ बीकर। बीकर में अपन को नील्स अटैच करना, नील्स को अटैच करना विद द हेल्प ऑफ रबर कॉक। फिर इस नील्स को एक बैटरी से कनेक्ट करना, बैटरी को अगेन एक इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट करना। सबसे पहले उस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो और स्विच ऑन करो। क्या बल्ब ग्लो हुआ? यस, बल्ब ग्लो होगा। फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालो, फिर बल्ब ग्लो करवाने की कोशिश करो। क्या बल्ब ग्लो हुआ? हाँ, बल्ब ग्लो होगा। फिर आप ग्लूकोज डालो और अल्कोहल डालो। जब ग्लूकोज और अल्कोहल डालोगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसका रीजन इसकी वजह समझते हैं। जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाला, एसिड डालने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। एसिड डालने से क्या फ्लो हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण ही बल्ब ग्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट इसलिए फ्लो हुआ बिकॉज
आयंस के कारण, किसके कारण, आयन मूवमेंट ऑफ आयंस। अब जो एसिड होते हैं जैसे HCl है फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ केटायंस है कुछ एनायंस है। H प्लस जो है वो केटायंस होते हैं, केटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज है एंड एनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो केटायंस होते हैं H प्लस आयन, जो एसिड में H प्लस केटायंस होते हैं उसके वही रिस्पॉन्सिबल होती है कि एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब H प्लस आयन जो है वो एक एसिड को एसिडिक नेचर देते हैं, जो H प्लस आयन है वही सोल्यूशन को एसिडिक नेचर देते हैं। मतलब H प्लस आयन एसिड की प्रॉपर्टी सजेस्ट करता है। क्लियर, बोर्ड पे ध्यान दो। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन? एक्टिविटी सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिक्स टू नील ऑन अ कॉक, कॉक में दो नील फिक्स करने, प्लेस कॉक इन 100 मिलीलीटर बीकर। कनेक्ट द नील टू टू टर्मिनल ऑफ 6 वोल्टेज बैटरीज। नील को 6 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करो थ्रू अ पल्प एंड अ स्विच। नाउ पोर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीकर में डालो एंड स्विच ऑन द करंट, करंट स्विच ऑफ करो। रिपीट इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिपीट करो, ग्लूकोज के साथ रिपीट करो, अल्कोहल। व्हाट विल ऑब्जर्व? बल्ब विल ग्लो इन केस ऑफ एसिड। जब आपने एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तब बल्ब ग्लो होगा। बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब अल्कोहल और ग्लूकोज डालोगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। मतलब जो अल्कोहल और ग्लूकोज है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, राइट? ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ये बल्ब ग्लो हो रहा है ऐसा, इससे क्या इशारा मिलता है, क्या इंडिकेशन मिलता है? बल्ब ग्लो होने से ये इंडिकेशन करता है दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ये पता चलता है। इलेक्ट्रिक करंट कैरी थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। अब कौन से कैटायंस और एनायंस? एसिड कंटेन एच प्लस आयन होता है जो केटायंस होता है मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, और एनायंस होते हैं सीएल माइनस मतलब जो नेगेटिवली चार्ज आयन। जैसे HCl है, HCl में एच प्लस आयन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, सीएल माइनस है जो नेगेटिवली चार्ज है। सिंस केटायन प्रेजेंट इन एसिड एच प्लस सच एज एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। H प्लस इन द सोल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। कोई भी सोल्यूशन में अगर H प्लस आयन है तो ये H प्लस आयन के कारण ही उस सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक होगी। कोई भी सोल्यूशन में अगर H प्लस आयन तो H प्लस आयन के कारण ही वो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी एसिडिक होगी। ओके, आगे भी डिस्कस करते हैं, पहले एक बार इसकी नोट्स बनाओ। What happens to the acid and base in water solution? अब अगर acid और base को water solution में डालते हैं तो क्या होता है? तो again इसके लिए एक activity perform करनी पड़ेगी। For this you need to take sodium chloride, NaCl लेना है, solid sodium chloride लेना है। एक dry test tube, एक सूखी सी test tube में, clean dry, एक अच्छी सी dry सूखी सी test tube लो, उसमें sodium chloride, NaCl डालो, और फिर उस sodium chloride में concentrated sulfuric acid डालो। क्या डालो? Concentrated sulfuric acid उसके अंदर डालो। जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डाला तो इस एनी गैस कमिंग आउट, तो उसमें से क्या कोई गैस निकल रही है? आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या क्या NaCl डाला, सॉलिड NaCl डाला, फिर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, NaCl के अंदर एसिड डाला। तो क्या एसिड डालने के बाद उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है? अगर हाँ गैस इवॉल्व हो रही है तो वो कौन सी गैस है? तो वो कौन सी गैस है? बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट करने से आपको ये पता चलता है कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना इन HCl, जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, हाइड्रोनियम आयन, आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में जो H प्लस आयन्स वो हमेशा कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंट में ही हमेशा HCl के H प्लस आयन, वापस समझो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो H प्लस आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन से आयन? H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? वो हमेशा वाटर सोल्यूशन में होते हैं। इन द एबसेंस ऑफ द वॉटर आप एच प्लस आयन सेपरेट ही नहीं कर पाओगे फ्रॉम द HCl सोल्यूशन। HCl के सोल्यूशन में से आप एच प्लस आयन नहीं सेपरेट कर पाओगे जब तक आपके पास वॉटर सोल्यूशन है, ठीक है? तो जो देखो एक बार यहाँ पे देखो, ये HCl है आपके पास, उसमें हमने वॉटर सोल्यूशन एड किया H2O। HCl था उसमें H2O एड किया, तो H3O हो गया। H3O मतलब देखो H की ऑलरेडी यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था और वॉटर से मिलने के साथ दो मॉलिक्यूल हो गए, तो क्या होगा? H3O प्लस और Cl माइनस। अब ये H3O प्लस इसको बोलो या तो H प्लस आयन्स बोलो, बात वही है।
आप इसको H प्लस आयन्स बोलो या H3O प्लस बोलो, बात यही है। मतलब पहले था HCl, उसमें H2O वाटर ऐड किया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अपन ने वाटर ऐड किया, तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो H प्लस आयन्स थे, हाइड्रोजन आयन्स थे, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर H3O प्लस हो गए, ठीक है। इसको आप H3O प्लस बोलो, H प्लस आयन एक ही बात है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एक्सिस्ट अलोन बट एक्सिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। एक्चुअली जो हाइड्रोजन आयन है ना, कभी भी अकेले नहीं एक्सिस्ट कर पाते, ये तभी एक्सिस्ट करते जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन है वो कभी भी अलोन अकेले एक्सिस्ट नहीं कर पाते, कब एक्सिस्ट कर पाते जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं। मतलब ये जो HCl में H था वो हाइड्रोजन आयन था, लेकिन वो अकेले एक्सिस्ट नहीं कर पाता अंटिल वो H2O के साथ रिएक्ट करे, मतलब H2O के साथ कंबाइन करे। This hydrogen ion must always be shown as H plus ion. इसलिए hydrogen ion को आप H plus ion लिखो या तो hydronium ion H3O plus लिखो। मैंने आपको बोला आप H plus लिखो या H3O plus लिखो, H plus ion या तो H3O plus। H3O plus मतलब दो water के molecule, एक hydrochloric acid का molecule। मतलब या तो आप उसको H plus ion लिखो या hydronium ion। Hydronium ion है ion, मतलब H3O plus, एक ही बात है। We have seen that acid gives H3O plus or H plus ion in water. What अब ये तो अभी अपन समझ गए, अभी तक अपन ये जो एक्टिविटी की उससे अपन ने ये पढ़ा, जब एसिड वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, तो H3O प्लस आयन रिलीज करते हैं। H प्लस और H3O एक ही बात है। वापस अपन ये पढ़ रहे हैं कि एसिड और बेस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपन ने एसिड के बारे में पढ़ा। अपन ने वो पढ़ा जो भी एसिड, जैसे एसिड अपन एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल दिया HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही प्रोड्यूस होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर, पानी अगर नहीं हो तो आप HCl में से H प्लस आयन को सेपरेट नहीं कर पाओगे। उसके लिए अपन को एक इक्वेशन से भी समझ, HCl प्लस H2O हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर गिव H3O प्लस, मतलब हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल्स अगर O प्लस, राइट। तो जो हाइड्रोजन का आयन है ना, कभी भी अलोन एक्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होना ही पड़ता है। जो हाइड्रोजन का आयन है वो कभी भी अलोन एक्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होना पड़ता है। दस हाइड्रोजन आयन में H प्लस होता है या तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। एसिड्स में हमेशा H प्लस आयन होते हैं और H3O प्लस जो हमेशा वाटर के प्रेजेंस में ही सेपरेट हो पाते हैं। अब अपन ये पढ़ते हैं कि बेस वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करता है। व्हाट हैपन व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, जब आप एक बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ध्यान दो, NaOH बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2O उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ, Na अलग हो गया और कौन से आयन रिलीज हुए, OH माइनस, राइट, OH माइनस आयन रिलीज हुए। जैसे एसिड में H प्लस आयन रिलीज होते थे इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, वैसे बेस में इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर OH माइनस आयन रिलीज होते हैं। दूसरा देखो KOH, K मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2O वाटर, तो देखो K अकेला K के प्लस पॉजिटिव आयन और OH अकेला OH माइनस आयन, मतलब बेस जब भी वाटर में डिसॉल्व करते तो वो OH माइनस आयन जनरेट करते। इन शॉर्ट अपन इतना ही अभी तक कंक्लूड कर पाते जो पूरा क्रक्स है इस टॉपिक का, कि जब भी एसिड वाटर में डिसॉल्व होते तो H प्लस आयन रिलीज करते या H3O प्लस भी बोल सकते हो, और जब बेस वाटर में डिसॉल्व करते तो वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते। वापस, जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होते वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जब बेस वाटर में डिसॉल्व होते वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते। ये एकदम क्लियर हुआ, बोल पे ध्यान दो। What happened to the acid and base in water solution? Take about 1 kg of sodium NaCl and in a clean and dry test tube. Add concentrated sulfuric acid to the test tube. Is there any gas coming out? Test the gas. This experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. HCl में जो hydrogen ion produce होते हैं वो कैसे produce होते हैं? In the presence of water. Separation of H plus ion from HCl molecule cannot be done in the absence of water. Water के absence में HCl में से H plus ions आप नहीं separate कर सकते, मतलब HCl plus H2O, तो यहाँ पे H3O plus हो गया, H अकेला और ये दो, H3O plus और Cl minus हो गया, right? हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। दिस हाइड्रोजन आयन मस्ट बी ऑलवेज शोन एज, हाइड्रोजन आयन को आप कैसे दिखाओगे, या तो H प्लस आयन या तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन, या आप उसको H प्लस आयन बोले या तो H3O प्लस।
We have seen acid gives H3O plus या H plus ion in water. अभी तक अपन ये समझ गए जो acid होते हैं water में क्या देते हैं H3O plus या H plus. What happens when the base is dissolved in water? अब मैंने बताया ये देखो NaOH, H2O water तो Na plus OH यहाँ पे ion series में similarly यहाँ पे भी ON. Base unit hydroxide ion कौन सा है OH hydroxide कौन से hydroxide OH minus ion water में base OH minus ion generate करते हैं. आगे अपन करते हैं बस की नोट्स बनाना. ये पढ़ा बेस वाटर में OH माइनस आयन रिलीज करते हैं. अब अपन पढ़े जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन बेसेस को अल्काइड्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है अल्काइड्स बोला जाता है. अल्काइड्स बोला जाता है जो भी बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं जितने भी बेसेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं वाटर में घुल जाते हैं उस बेस को अल्काइड्स बोला जाता है. अब जरूरी नहीं कि सारे बेस वाटर में सॉल्युबल हो. कुछ कुछ बेस ही ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल है और वैसे बेस को अल्काइड्स बोलते हैं. अब जो बेस वाटर में सॉल्युबल है वो थोड़े सोपी होते हैं. सोप के साथ एकदम थोड़ा लिसा लिसा वैसे सोपी होते हैं बिटर होते हैं कड़वे होते हैं और करोइजिव होते हैं. ठीक है अब नेवर टेस्ट देम और टच देम ऐसे कॉजेस हार्म. ऐसे अल्काइड्स को कभी भी टेस्ट भी मत करो टच भी मत करो बिकॉज उससे हार्म हो सकता है. राइट मैंने ये समझाया आपको कि जो भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको अल्काइड्स बोलते हैं. वन मार्क में पूछ सकते हैं व्हाट आर अल्काइड्स. तो बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर जो बेस पानी में घुल सकते हैं जो बेस पानी में घुल सकते हैं सॉल्युबल होते हैं उस बेस को अल्काइड्स बोला जाता है. अब जरूरी नहीं जितने भी बेसिस सारे बेस पानी में घुल सकते हो. ठीक है तो ये वाले जो बेस पानी में घुलते हैं उसको अल्काइड्स बोलते हैं. अल्काइड्स कैसे होते हैं बेसिकली सोपी बिटर और कोरोसिव. एंड यू शुड नेवर टच और टेस्ट देम. उनको कभी भी टच करने की या टेस्ट करने की कोशिश मत करना बिकॉज वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं. अपन ने ये पढ़ा जो भी एसिड होते हैं वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं और जो बेसिस होते हैं वो OH माइनस है ना. तो इससे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. याद है अपने अर्लियर लेक्चर में क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर जनरेट करते हैं. याद है ना एसिड प्लस बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बेस का इफेक्ट हटा देते हैं बेस एसिड का इफेक्ट हटा देते हैं और वो अपना सॉल्ट प्रोड्यूस करके H2O मतलब वाटर रिलीज करते हैं. एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस H2O. तो देखो इससे कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को समझाया आपको देखो अच्छे से समझना. ये H लिखा है H मतलब क्या हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन. X मतलब कोई भी दूसरा इसका मॉलिक्यूल प्लस M M मतलब कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल और OH माइनस मतलब बेसिकली ये एसिड है जिसमें ये H आयन है और X दूसरा कोई मॉलिक्यूल है. ये बेस है जिसमें OH आयन्स है और ये M दूसरा कोई मॉलिक्यूल है. तो जब ये दोनों रिएक्ट करते तो एक बेस सॉल्ट बनता है. सॉल्ट कैसे बनेगा ये M और X जो दूसरे मॉलिक्यूल है H और OH के अलावा वो कंबाइन कर जाएंगे M प्लस OH और बाकी का क्या रह जाएगा ये H और ये OH HOH HOH मतलब H2O हो गया H के दो मॉलिक्यूल्स प्लस हो तो H2O. तो ऐसे ही वापस देखो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर. अब देखो एसिड मतलब H प्लस आयन तो यहाँ पे H होगा एसिड में हमेशा यहाँ पे H होगा और यहाँ पे कोई भी दूसरा बेस होगा जैसे HCl है तो HCl में क्या होता है देखो यहाँ पे HCl है तो HCl में ये हाइड्रोनियम आयन और ये Cl ये दूसरा मॉलिक्यूल. ठीक है तो वैसे ये H और ये X मतलब Cl मान दो प्लस MOH M मतलब दूसरा मॉलिक्यूल और OH M जैसे NaOH NaOH एक बेस है तो Na मतलब M मतलब Na को दूसरा मॉलिक्यूल माना OH. ठीक है तो जब इसका सॉल्ट बनता है तो ये M और X मिक्स हो जाते हैं. मतलब देखो यहाँ पे मैंने HCl प्लस NaOH तो ये Na और ये Cl मर्ज हो जाते हैं ये बन जाते हैं NaCl और बाकी क्या रहेगा H HO मतलब H2O H2O water. तो ये पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंसेप्ट है. वापस मैं बोल रही हूँ जो बेसिस सोल्यूबल होते हैं वाटर में उसको अल्काइड्स बोला जाता है. सारे बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते. जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो सोपी होते हैं बिटर होते हैं क्रेजर होते हैं उनको टच या टेस्ट मत करो वो हार्मफुल हो सकते हैं. फिर अपन ने अभी तक ये पढ़ लिया कि जो भी
जो भी एसिड होते हैं वो वाटर में H+ आयन रिलीज करते हैं। H+ बोलो या H3O+ बोलो एक ही बात है या तो, और जो बेसिस होते हैं वो OH- आयन रिलीज करते हैं। तो बेसिकली जो रिएक्शन है एसिड प्लस बेस के सॉल्ट प्लस वाटर, उसको भी अपन ने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रूफ कर दिया। राइट, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। Bases which are soluble in water are called alkyl. All bases do not dissolve in water. सारे bases नहीं dissolve करते। If dissolve, अगर वो dissolve करते तो उसको alkyls बोलते हैं। ये soapy होते हैं, bitter होते हैं, corrosive होते हैं, ठीक है? Never taste them or touch them. उनको कभी भी taste मत करो, touch मत करो, because they can be harmful. Okay. As you know, acid H+ ion release करते और base OH- ion release करते, तो हम neutralization reaction को ऐसे समझा सकते हैं जो already मैंने आपको explain किया। Okay? अभी आज मैंने जितना भी पढ़ा इसको एक बार समअप कर लेती हूँ। अपन ने ये पढ़ा, सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म की, उस एक्टिविटी में अपन ने पूरा एपरेटर सेटअप करके दो आयन नील लगा के उसको बल्ब ग्लो करवाने की कोशिश करी। जब अपन ने एसिड डाला तो बल्ब ग्लो हुआ, जब अल्कोहल और शुगर डाला तो नहीं हुआ। इससे ये प्रूव करता है कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ग्लो होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ग्लो होते हैं बिकॉज उसमें आयन्स होते हैं। क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। राइट, तो ये बात अपन ने समझी। फिर अपन ने पढ़ा एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होते तो H+ आयन रिलीज करते हैं, और जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते तो OH- आयन रिलीज करते हैं। और लास्ट में अपन ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंसेप्ट एक बार रिकॉल किया इन कंटेक्स्ट ऑफ आयन्स को भी कंसिडर करके। ठीक है, अपना लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार इसकी नोट्स बना लो। गुड बाय एवरीवन।